हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फिज़िक्स साइंस तो ये हमारी थर्ड वीडियो है टॉपिक क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो इसमें हमारा थर्ड टॉपिक है ट्रांजिस्टर इससे पहले हमने रेडियो एक्टिविटी और हाइड्रोजन एटम के क्वेश्चंस किए हैं तो इसके कुछ गेन पे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ट्रांजिस्टर के तो हम वही क्वेश्चन एक बार देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द करंट गेन फॉर अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इज़ फोर्टी एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है जिसका करंट गेन है फोर्टी नाइन इफ द एमीटर करंट इज सिक्स मिली एम्पियर तो बेस करंट बताना है हमें तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं जस्ट एक बार आप देख लोगे अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो कर भी लोगे तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू दी हुई है फोर्टी नाइन बीटा क्या होता है करंट गेन इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो होगा आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट देखो कॉमन एमिटर है तो एमिटर तो कॉमन हो चुका है बचा क्या कलेक्टर और बेस तो उसमें जो कलेक्टर होता है हमेशा आउटपुट में लगता है मतलब uh, 90% परसेंट केसेस में जो कलेक्टर है मतलब करेक्ट कलेक्टर आउटपुट में ही लगता है जब तक वो कॉमन ना हो और बेस क्या हो गया इनपुट में तो ये आ गया ना हो अब हमें कलेक्टर करंट के बारे में तो कहीं भी कुछ नहीं बोला हमें तो एमिटर करंट के बारे में बोला है सो इफ यू नो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर अगर हम आई सी इज इक्वल टू आई बी ई प्लस आई बी तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे ये सारा कुछ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो बीटा की वैल्यू फोर्टी नाइन आई सी की जगह ये इक्वेशन पुट कर दी इसको सॉल्व कर दो यहाँ पर हमारी आई बी की वैल्यू आ गई जीरो पॉइंट वन टू फाइव मिलियम पियर तो ये कौन सा ये हो गया इसका आंसर टू तो नेक्स्ट क्वेश्चन द करंट गेन इन ट्रांजिस्टर इन कॉमस कॉमन बेस मोड इज जीरो पॉइंट नाइन नाइन टू चेंज दी करंट बाई फाइव एम्पियर दिस इज नेसेसरी चेंज इन कलेक्टर करंट विल भी इन्होंने कामन बेस का करंट गेंद दिया हुआ है कॉमन बेस का करंट गेंद होता है अल्फ़ा दिस इज अल्फ़ा क्या होता है चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट हम चेंज लें या करंट लें या तो हम ये भी ले सकते हैं ये फॉर्मूला या आई सी बाई आई ई लें तब भी गेन तो सेम आएगा तो डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई क्योंकि कॉमन बेस है तो बेस कॉमन हो चुका है एमिटर और कलेक्टर बचे हैं तो कलेक्टर गया आउटपुट में एमिटर गया इनपुट में यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो चेंज इन एमीटर करंट है फाइव तो ये हमारा चेंज इन आ गया कलेक्टर करंट दिस फोर पॉइंट नाइन फाइव मिली एम देखो क्वेश्चन इजी है तो एक बार इनको सिर्फ एक नज़र देखने की जरूरत है ऐसा ना हो कि पेपर में इतने इजी इजी क्वेश्चंस छूट जाए नेक्स्ट एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है जिसका बीटा है दिस आर नॉट है ये और इंटरनल रजिस्टेंस है फाइव हंड्रेड ओम वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन निकालनी है यानी वोल्टेज गेन निकालना है वोल्टेज गेन क्या होती है एवी जो क्या होता है करंट गेन मल्टीप्लाई बाय आर आउट बाय आर इन ये फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला शीट में बताया था आर आउट कितना दिया हुआ है 5000 थाउजेंड आर इन कितना दिया हुआ है आर आउट मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस आर इन मतलब इनपुट रेजिस्टेंस बीटा की वैल्यू दी है 60 तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे दैट विल बिकम 600 नेक्स्ट थ्री एम्पलीफायर स्टेजेस ईच विद ए गेन ऑफ टेन आर कास्केडेड कास्केडेड का मतलब एक के बाद एक लगा दिया तो ओवरऑल गेन बताना है इसका तरीका बताती हूँ क्या है सपोज यहाँ पर तीन ट्रांजिस्टर लगा दिए वन टू थ्री यहाँ पर एक्स थी हमने एक्स वोल्टेज दी हमें नहीं पता कितनी दी अब इसमें कितना गेन हुआ टेन तो कितनी मिल गई टेन एक्स अगले के लिए इनपुट बन गई है टेन एक्स इसका भी गेन टेन है इसको भी टेन मिल गई तो अगले को आउटपुट कितनी दे दी उसने हंड्रेड अब ये वाली जो है हंड्रेड एक्स ये थर्ड वाले की इनपुट बन गई थर्ड वाले की इनपुट बनते ही ये हंड्रेड एक्स इसका भी गेन टेन है तो इसने आउटपुट कितनी दे दी थाउजेंड एक्स यानी कि हमने एक्स दिया था और हमें थाउजेंड एक्स मिल रहा है तो ओवरऑल गेन हमें कितना मिल रहा है यहां से हमें पता लग गया स्टिल आपको अगर बड़े पे लेवल पे करना हो तो जितना गेन है अगर सेम है जितना गेम है उसको नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स कर दो टेन है गेन नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स कितने थ्री तो ये क्या गया थाउजेंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ये वीडियो छोटी सी ही है बस जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन आई होप कि डेली दो तीन वीडियो निकाल लो ऐसी क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे अगर एक हफ्ते में आपने काफ़ी हंड्रेड के करीब क्वेश्चन ट्राई कर लिए ना तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको करंट अब ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें बोला कि करंट गेन है कॉमन बेस का वो है जीरो तो हमें कॉमन है में उसकी वैल्यू बतानी है हमें अल्फ़ा दिया हुआ है बीटा निकालना है अब इसको ना भी सॉल्व करो तब भी इसका आंसर पता होना चाहिए आपको क्या है नाइन्टीन कैसे जब मैंने बीटा करवाया था तो बीटा की वैल्यू ट्वेंटी 20 से टू हंड्रेड के बीच में लाई कर रही थी यानी कि ट्वेंटी के आसपास लाई कर सकती है लेकिन बहुत छोटी नहीं ये वैल्यू तो नहीं हो सकती अल्फा और बीटा इक्वल नहीं हो सकते इतनी छोटी भी नहीं हो सकती वैल्यू और इतनी छोटी भी नहीं हो सकती वन बाई नाइनटीन तो वैसा वैल्यू तो नाइनटीन ही होगी स्टिल फॉर्मूला लगा लो क्या होता फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बाय वन माइनस अल्फा अल्फा दिया हुआ पॉइंट नाइन फाइव और वन माइनस अल्फा हो गया पॉइंट जीरो फाइव तो इसको जैसे ही हम डेसिमल्स हटा देंगे टू टू डेसिमल्स है नाइन्टी फाइव बाई फाइव क्या हो गया नाइन्टीन तो ये आंसर भी आ गया लेकिन इसको ज़रूरत नहीं थी सॉल्व करने की इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों गलत हैं तो ऑबियस है ये ही आंसर होगा इसका तो ये था हमारा ट्रांजिस्टर इसके बाद एक दो गेट्स के क्वेश्चन भी निकालेंगे गेट्स बुलियन इन एक्सप्रेशन इन सब के क्वेश्चन निकाल के एंड uh, उसके बाद मैं देखती हूँ जो आप लोगों ने टॉपिक्स बताए हैं उन पे भी क्वेश्चंस करवाती हूँ सो टिल देन लाइक द वीडियो एंड शेयर द शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू